नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित शर्मा। मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे कैंसर से रिलेटेड भ्रांतियों के बारे में। कैंसर अपने आप में एक बहुत गंभीर बीमारी है, मगर इससे कहीं ज़्यादा भयावह है इससे जुड़ी भ्रांतियाँ। इन भ्रांतियों की वजह से हमने देखा है कि बहुत बार कैंसर का ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, मरीज को बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। पहली और सबसे बड़ी भ्रांति जो कैंसर से रिलेटेड है वो ये है कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे समय के साथ विज्ञान ने विकास किया है, अधिक से अधिक कैंसर्स का इलाज संभव है। न केवल इलाज संभव है, यदि हम इन कैंसर्स को बहुत अर्ली स्टेज पे, बहुत शुरुआती दौर में अगर पकड़ पाएँ तो हम इनको जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं। विच मीन्स कैंसर्स आर नॉट जस्ट ट्रीटेबल, दे आर रादर क्योरेबल। दूसरी एक बड़ी भ्रांति जो है वो ये है कि हर कैंसर परिवार में चलता है, मतलब ज़्यादातर कैंसर्स हेरिडिटरी होते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड ऐसे कैंसर्स हैं जो परिवार में चलते हैं। ज़्यादातर कैंसर्स एक इंडिविजुअल इंसान में कुछ म्यूटेशंस की वजह से होता है और वो परिवार में आगे नहीं बढ़ते हैं। एक तीसरा जो सबसे बड़ा मिथ है वो है कि अगर किसी महिला को ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ है तो वो कैंसर की ही होगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि महिलाओं की ब्रेस्ट में होने वाली ज़्यादातर गांठें कैंसरस नहीं होती हैं। स्पेशली अगर उन गांठों में दर्द है और वो अचानक से बनी है और तेज़ी से बढ़ रही है। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो कैंसर की गांठ है उसमें शुरुआती दौर में एटलीस्ट दर्द नहीं होता है। एक और बड़ी भ्रांति जो कैंसर से जुड़ी है वो यह है कि कैंसर की गांठ की बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर, पूरे विश्व में कहीं भी कैंसर का इलाज करने से पहले बायोप्सी करना ज़रूरी है। ये ना केवल हमें ये बताता है कि वो गांठ कैंसर की है या नहीं है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि वो कैंसर किस प्रकार का है। किसी भी अंग में जो कैंसर है वो कई अलग अलग तरीके का हो सकता है, और अभी विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि हम उसके अंदर किस म्यूटेशन की वजह से वो कैंसर हुआ यह भी जान सकते हैं, और यह जान लेने से हम उसका इलाज और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बायोप्सी करने से कैंसर कभी फैलता नहीं है। बहुत सारी भ्रांतियाँ कैंसर के साथ साथ कीमोथेरेपी, उसके इलाज को लेकर भी हैं। ऐसा माना गया है कि कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कीमोथेरेपी एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कीमोथेरेपी में हम ग्लूकोज की बॉटल में दवा मिला के नस से लगाते हैं। नस से लगाने का मतलब है दवा खून में जाएगी और खून पूरे शरीर में, और जहाँ जहाँ कैंसर के सेल हैं उनको वो ख़त्म करेगी, और इस पूरे प्रोसेस में किसी भी तरीके का दर्द नहीं होता है। बहुत से मरीजों को यह डर भी रहता है कि कीमोथेरेपी के बाद उनके बाल चले जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर कीमोथेरेपी से मरीज़ के बाल नहीं जाते हैं, और जिन कीमोथेरेपी में मरीज़ के बाल जाते भी हैं उनमें अधिकतर कीमोथेरेपीज़ में बाल वापस आ जाते हैं। दवा ख़त्म होने के 4 से 6 महीने के अंदर मरीज़ के बाल पहले जैसे ही वापस हो जाते हैं। एक और बड़ी भ्रांति यह है कि गर्भवती महिलाओं में कैंसर का इलाज संभव नहीं है। हम आमतौर पर गर्भवती महिला में पहली तिमाही के अंदर कीमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट को अवॉइड करते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि कैंसर का इलाज गर्भवती महिला में हो ही नहीं सकता है। बहुत बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कैंसर डिटेक्ट होता है हम उसका इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और महिलाओं को इस बारे में किसी भी प्रकार का डर नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।